वेलकम टू पटनायक एजुकेशन। तो पिलामाने एही भिडियोटे मुझे तुमको कहबी तुम मानक आग को बा अगस्ट मास रे जो आसवाक जाऊँ फॉरेस्ट गार्ड रो 802 पदवी तार कौन सिलेबस रहिबो फिजिकल टेस्ट कौन रहिबो एवं कोठु केमिति पढ़िबो तुम मानक जणाइ देबी। भिडियोटा आसिबारे लेट हैला किंतु तुम मैंने फुल इनफर्मेसन एथरे पाइजिबो एवं आग को मध्ये फॉरेस्ट गार्ड रो सिलेबस वाइज क्लास तुम मानक आम चैनल माध्यम रे अवेलेबल होइजिबो। तो तुम मैंने ओडिशा सबऑर्डिनेटेड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो वेबसाइट की जाय परिबो। वेबसाइट की गले तुम मैंने रिक्रुटमेंट कैलेंडर को जदि चेक करिबो तो मानको क्लियरली एठी शो करूछि देख पिला माने तो मानकर फॉरेस्ट गार्ड 802 पदवी ठीक अच्छे तापर फॉरेस्टर मध्य 316 पदवी एगुड़ा जो सब आगक आसवाक जाऊँगी आमर आर आई एर आई अमीन एगुड़ा सब आसवाक जाऊँगी ना एगुड़ा सब जुलाई मस बाहरी आर नोटिफिकेशन। तो तुम मानकर फॉरेस्ट गार्ड रो नोटिफिकेशन टा केबे बाहर ना अगस्ट रे बाहर नोटिफिकेशन टा बाहर तो तुमको पुणी टाइम मसे देढ़ मस कि दुई मस टाइम तो मिलो ना सिलेबस वाइज प्रिपेयर हाँ को टाइम मिले तापर एग्जाम हम मसे देढ़ मस तो टाइम मिले तेल जदि आम अंदाज करवा आम पाखे 4 रु 5 मास एका टाइम अच्छे आम जब फॉरेस्ट गार्ड पर भल भाव प्रिपेरेसन करुचे 802 पदवी रु गोटे पदवी तुम मानकर पक्का हो पार ठीक अच्छे। केते टाइम रहिला ना 4 रु 5 मास रहिला केमिति पढ़ा ना सिलेबस वाइज पढ़ा प्रथमे केते मार्क रो एग्जाम सिलेबस कौन रही आ फिजिकल टेस्ट कौन हम जानवा देन केमिति कौन पढ़ा तापर मध्य मु तुमको कहीदेवी। एबे देख तुम मानकर फॉरेस्ट गार्ड जो 802 पदवी रहिला तार सिलेबस कौन एवं प्रथम कहूँ एथर जदि तुम सिलेबस किसी चेंजेस तो हम मत लगुनी जदि भी किसी चेंजेस आसला तार इनफर्मेसन मुझ तुमको देदेवी। पूर्व थरकर जो एग्जाम होता तार सिलेबसटा को ही मुझ तुम एनालाइज करी एथर तो ऑफिशियल सिलेबस से माने प्रोवाइड करना जदि भी प्रोवाइड करेंगे मत लगुनि कि चेंजेस हम यही सेम ही रही जदि गोटे मानने 1% 2% एपट सेपट किसी हो पाए तो देखा एवं सिलेबस आमर कौन अच्छी। तो देख पिलामाने एथरो तुम मानकर कंबाइंड एग्जाम हम कि सिंगल एग्जाम हम सेटा तो कहीं भी कहीपारे एग्जाम नोटिफिकेशन आसिले ही जना पड़े तो से जहाँ भी हो कंबाइंड हेले भल कथा सिंगल भी हेले भल कथा से जहाँ भी हो जहाँ भी हेले भी सिलेबस एया रहिबो किछिटा जदि एपट सेपट हेला से तार इनफर्मेसन तो मुझ तुमको निहाती देवी। बेसिक जिनस जो गुड़ाक आम आगु जेहेतु 4 मास आगु प्रिपेयर हवा आमको जितेबाला नोटिफिकेशन जारी हम तापर के टाइम मिल हार्डली देढ़ मानी कौन देढ़ मस भाया टाइम मिले कि आम जेहतु 4 मास पूर्व प्रिपेयर हो तो बेसिक जिनस जो गुड़ाक से गुड़ाक आम क्लीअर करके रखीदापर को सिलेबस जदि किसी चेंजेस ना तो आहरी भल कथ कौन तेल देख तुमको समय मिले के 3 घंटा समय मिल तुम्हार मैथ्र 40 क्वेश्चन आसो 40 मार्क इंग्लीश्र 40 क्वेश्चन 40 मार्क जनरल नॉलेज रो तुम मानक 40 क्वेश्चन 40 मार्क ओडिया रो तुम मानक 20 क्वेश्चन 20 मार्क ठीक अच्छे ओडिया जमार 20 मार्क अच्छे देख पिला माने सेमती कंप्यूटर तुम मानक 40 क्वेश्चन 40 मार्क टोटाल तुम मानक ना टोटाल होगा 180 क्वेश्चन 180 मार्क ठीक अच्छे। तो जान लो पिलामाने टोटाल हूँ 180 मार्क 3 घंटा समय तुम मिले तेल आर्थमेटिक मैथ्र तुम मानकर क्या उपर सब क्वेश्चन आसो देख पिलामाने प्रथम कही रखुची जेहेतु तुमको क्वालिफिकेशन मागुची कौन ना 10th पास करिथिबा दरकार क्वालिफिकेशन मागिबो जहाँ भी क्वेश्चन आसिबो सबू तुम मानकर 10th स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन आसिबो केही भी व्यस्त हबो नहीं जे आम हार्ड क्वेश्चन आसिबो सबू 10th लेवल रो क्वेश्चन आसिबो ताले प्रॉब्लम एसीएफ एलसीएम तुम आसिबो सिंप्लीफिकेशन प्रॉफिट लॉस ए तो ए सब सब एग्जाम रे ही तुम मानकर सिलेबस प्राय तो सेम रहिबो किछि बस केवल कोठी 10th लेवल रो कोठी प्लस 2 लेवल रो नंबर सिस्टम परसेंटेज आवरेज अल्जेब्रा वॉल्यूम ज्योमेट्री टाइम एंड वर्क देन तापर कौन रहुची देखो टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन तापर सिंपल आउ कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम स्पीड हला परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्रिगोनमेट्री ट्रिगोनमेट्री मेंसुरेशन पाइप एंड सिटन्स तापर कौन रहुची देखो ऑड वन आउट हला लॉगरिथम प्रॉब्लम ऑन एजेस तापर तुमर बोर्ड स्ट्रीम एगुड़ाक जो लास्ट को 3-4 रहा एत भी आसवन तथा थर थर देख कनसेप्ट क्लीअर हो जा दरकार तुम्हें कौटू पढ़व एगुड़ाक आपरे तो क्लास मु तुम मानक सिलेबस वाइज निहाती आनी मैथ सबकि कभर करवा कि पढ़व कौटी ना 10th बुक अच्छे तुम मानते येस थब निहाती भाव में जदि ना साई पड़सा जहाँ पाखे भी जो पाने 10th क्लास पढ़ुंतु 10th बुक आणिकी आलजेब्रा एवं कौन रहा ज्योमेट्री दीटा का बुक आणिकी ए जो सिलेबस वाइज तार बेसिक
जो कनसेप्ट गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक नोट बनाओ, फर्मूला गुड़ाक नोट बनाओ और ताऊपर कौ कौ टाइप क्वेश्चन आसगुड़ा मुझे तुमको क्लास में कहीदेवी। कि तुम टेन्थ बुक्टा को जब कभर कर नौ तो बेस्ट हे। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट सेसन में आम देखा कौन ना जिके। जिके रो तो मानकर सिलेबस रे कौन आसीबो पिलामन देखो, जिके रो कौन आसीबो क्वेश्चन सेइटा तुमको 100% केही जणई पारिबे नाही। ठीक अछि, जिके किछि भी देइथिबो सिलेबस रे देइथिबो गोटे आउ एग्जाम रे पढ़ला बेल को आ गोटे मध्य तुम मानकर आसी पारिबो। जदि तुम सिलेबस देखिबो एबे जो तुम मानकर मु क्लास करू छी पीओ जूनियर असिस्टेंट बा आरआई आरआई अमीन बा अपकमिंग जे कोनोसी एग्जाम रहिला एगुड़ाक ही उपरे मुझे करुच्ची। इंपोर्टेंट डेज, बुक एंड ऑथर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स एगुड़ाक उपरे ही आमर हो। तेणु थंबनेल रे बारंबार पिलामानो कहिछि टिके स्मार्ट हो पिलामाने, थंबनेल रे कौन लिखाई कौ एग्जाम पे लिखाई है सेटा को देख ना। सिलेबस रे तुम जहाँ अच्छी जदि से थंबनेल उपरे सही टॉपिक लिखा होने तुम्हें से क्लासटा को कम्प्लीटली कवर करनेब। देख ताल जिके तुम मैं कौन रहा इंपोर्टेंट डेज आप क्लास होलरेडी से क्लास गुड़ाक जाए चेक कर। आगे एग्जाम पर्यटन तुम मानकर आहरी क्लास आसो से क्लास गुड़ाक तुम्हें देखेनब। बुक एंड ऑथर्स सिलेक्टेड क्वेश्चन क्लास हो सारी देखिबो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बा डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन क्लास हो सारी, स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स इंडियन हिस्ट्री हेरिटेज साइट तापर तुम अब्रोविएशन तापर अवार्ड एंड ऑनर्स ज्योग्राफी कैपिटल्स ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी। ठीक अच्छे, इंडियन इकोनॉमी रिसेंट तुम मैं गोटे माराथन क्लास छाड़ी जोड़ा कि बीएड पिला मानकर सेइटा तो मैंने देखिपार। बीएड एग्जाम छाड़ी माने एमती नुहे कि तुम देखिपार देख जेहेतु इंडियन इकोनॉमी अच्छी तुम मानकर सिलेबस रे तो इंडियन इकोनॉमी जेहेतु तुम थंबनेल रे देखुछ ता अनुजाई तुम क्लास करिवो ना कि कौ एग्जाम मुझे प्रोवाइड करी। ठीक अच्छे, करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल कंट्रीज एंड कैपिटल क्लास होती, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ऑलरेडी कही आपरे क्लास हो सारी देख आगू तुम मानक आप्रे क्लास आसो। तेणु जिके रो कौन कौन सिलेबस रहा देख ल तो मानकर एवरीडे 2:30 रे होउछि तो मानकर लाइव क्लास। ठीक अच्छे, तो ए टाइम रे आसिक लाइव सेशन रे जॉइन करो एवं जहाँ भी रेकर्डेड क्लास प्रोवाइड करछि लाइव जेतिके इंपोर्टेंट रेकर्डेड मध्ये सेतिके इंपोर्टेंट लाइव क्लास को कंटिन्यू करिवो रेकर्डेड क्लास को मध्ये कंटिन्यू करिवो। ठीक अच्छे, आ चैनल रे जदि अपन तो सब्सक्राइब करनो चैनल को देन सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन टिके ऑन कर देबो जहाँ द्वारा रेकर्डेड क्लास हो बा लाइव क्लास हो तो मान पाछि नोटिफिकेशन पहुँची पारिवो। नेक्स्ट देखिबा अगर तुम्हारे कौन देछि ना इंग्लिश आसला ताले इंग्लिश रो सिलेबस रे कौन अच्छे आम देखा। देख पिला माने इंग्लिश रो सिलेबस रे कौन अच्छे 40टा क्वेश्चन आसीबो 40 मार्क तो माने देखिके आसल। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सबो एग्जाम रे कॉमन आसीबा कथा आसीबो। रूढ़ी जो रहिला आइडियम्स एंड फ्रेजेस आसीबो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस करेक्शन बा फाइंडिंग एरर जो एरर स्पॉटिंग प्रीपोजिशन सेंटेंस कंप्लीटशन तापरे पाराग्राफ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक अच्छे, तापरे तुमरो जॉइनिंग सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पॉटिंग एरर्स ए गुड़ाक उपरे तो मानकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उपरे गोटे बहुत बढ़िया क्लास एंटोनिम्स सिनोनिम्स उपरे जितकी क्लास अच्छी प्रथम देख फॉरेस्ट गार्ड पाएंगे प्रिपेयर हो 802 पदवी अच्छी गोटे पदवी कन्फर्म कराया चाहूँ बहुत भल भाव गोटे सुंदर खाता टे कि आण खातें प्रथम पेज रे सिलेबस को लेख तापर को सिलेबस वाइज जहाँ भी क्लास रही सेगुड़ाक सब क्वेश्चन गुड़ाक नोट कर कारण तुम्हें जो देखिब केवल आउ केवल मुझ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही तुमको प्रोभाइड कै आड़ साड़ू किसी प्रोभाइड कै नहीं केवल आउ केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन एवं आग को तुम मानकर जहाँ सब क्लास आसो सिलेक्टेड आउ जो तुम जी दरकार से पढ़ा अनेसेसरी जिनस आम कि भी पढ़ा ना मुहूनी जे आमरी चैनल रे केवल पढ़ीदे एनफ हो सब बेले सब एग्जाम पूर्व कहे ना कि एमती ना मुझको समस्ते जाच पे यूट्यूब्र यूट्यूब्रे जो मैंने भी पढ़ाऊँ से अलग अलग चैनल अच्छी तो सेमकर के अलग चैनल को सेमाने कहबे तुम मैंने जाओ कि मुझ प्रथम तुमको कही जोठू भी पढ़ुच पढ़ आम मानकर अल्टीमेट गोल हूँ गोटे कौन पदवी आम केमी पाइबा। ठीक अच्छे, गोटे सरकारी पदवी आम केमी पाइबा। ठीक अच्छे, तेणु जीक भी आम चैनल मध्यम क्लास होगुड़ाक कर जदि अलग कौटू देखु देख बुक अच्छी बुक रु पढ़ बास तुम मानक बारंबार कहे जोटू पढ़ुच पढ़ कि सिलेबस वाइज क्लास कर चल है फांका दिपर देख तुम मानक कौन आउ ये इंग्लीश रहा इंग्लीश सेसन टी कभर कर सबुठ बेस्ट हूँ कौन ना टेन्थ क्लास
टेन्थ क्लास ग्रामर इंग्लीश ग्रामर बुक नहीं आसब जो माने पूरा इंग्लीश रे पूरा लो अछ हैला इंग्लीश रे तो भलो से हुए नी टेन्थ क्लास इंग्लीश ग्रामर बुक टाको आगो कवर करो देन तुम माने क्लास कले बहुत भलो लागिव तुम मानको एवं बुझी भी पारिबो ठीक अछि। तो टेन्थ क्लास सब बेले कहउछि टेन्थ लेवल रो ही क्वेश्चन पढ़िबो तो से हिसाब रे टेन्थ बुक गुडा आणि टिके पढ़ि नबो ठीक अछि। सेमती टेन्थ रो हिस्ट्री जदि आमे जिके देखिबा टेन्थ रो हिस्ट्री नै आसिबो तुम्हारे ज्योग्राफी आनब पॉलिटी आनब से गुड़ा तुमने पढ़ी पार कंप्यूटर अवेयरनेस रो तो से बेसिक जिनस गुड़ा पढ़ मेमोरी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एम एस विंडोज एम एस वर्ड एम एस एक्सेल कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट एगुड़ा सब तुम मान कंप्यूटर अवेयरनेस आसो सरलापर आसला आमर ओडिया तुम्हें कह ओडिया कौन पढ़ देख पाने ओडिया तुम मानकर कौन पढ़ देख ओडिया तुम मान आस ग्रामर आ ग्रामर भितर ही तो मानकर सब रहीगला ग्रामर लिखिदेलानी जे ग्रामर भितर तो मानकर सब रहीगला आ कंप्रेसन जो पैसेज आसीबो आ ट्रांसलेशन तो मानकर आसीबो ट्रांसलेशन टा टिके पिला माने देखो ओडिया रे लिखिथिबो तमे ताको कोन ओडिया रे लिखिथिबो इंग्रजी रे ट्रांसलेशन करिबनी इंग्रजी रे लिखिथिबो प्रश्न इंग्लिश रे देथिबो प्रश्न इंग्लिश रे देथिबो ता तळकु जो चारटी ऑप्शन देथिबो से गुडा को ओडिया रे देथिबो तमे ए इंग्लिश सेंटेंस रो को ओडियाटा माने तर ट्रांसलेशन हे परिबो सेइटा को तमे चूज करिबो आ ग्रामर जो लिखि देला से ग्रामर भितरे सब पळेला कोन पळेला ए ग्रामर भितरे भाषा ध्वनि लिपि लिंग वचन पुरुष काल क्रिया संधि समास कृदंत तद्धित कौन अशुद्धि संशोधन बाच्य परिवर्तन होगा विपरीत शब्द प्रतिशब्द समचरित शब्द रूढ़ी लोकवाणी छंद अलंकार तापर तुम्हारा प्रत्यक्ष उक्ति परोक्ष उक्ति कारक विभक्ति उपसर्ग तापर आउ कौन रहिला तुम मानकर जो विशेष विशेषण सर्वनाम अवयव क्रिया सबकि ग्रामर भितर पड़ेगा तेल ओडिया ग्रामर लिखिदेला मान ओडिया ग्रामर रब पार्ट को तुमको पढ़ा पड़ो तेणु तापर तुम मान क्लास ऑलरेडी बहु क्लास मुझे कर सारी से गुड़ाक तुम मैंने नोट बनई पढ़ी पार और आगक तुम्हारापी क्लास आसो से गुड़ा सब अटेंड करनेब आ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तो समस्त आसो ए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में किसी नुआ कथ नहीं भल भाव पैसेजा को पढ़व टे केयरफुल पढ़व पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टा सहज लगे ही भूल कर दि देन टे केयरफुल पढ़व एंड देन पाँचटा क्वेश्चन पचार तार आंसर देदेव ठीक अच्छे सरला एबे तुम मानकर सिलेबस आमर कम्प्लीट होगा सिलेबस रे कौन कौन रहिला जानिगल ताको आगो प्रथम पेज रे भल भाव नोट बनई रख कि प्रिपेरेसन करुच फ्रंट रे तुम मैंने कांथे मारी पार तापर देख तुम रहिला कौन ना आमर फिजिकल टेस्ट तुम मानकर कौन हम ये तुम मानक मुझे रखुची केते बयसर पिला माने आपको अप्लाई करपर ना तुम बयस जदि अठर रु अधिका हो अठर रु बतीस आउ पांच वर्ष तुम मानकर रिलैक्सेसन र ठीक अच्छे पांच वर्ष तुम मानकर एससी एसटी एससी बीसी महिला मानकर पांच वर्ष रिलैक्सेशन रहिबो आउ जो माने फिजिकल हैंडिकैप से मानकर दस वर्ष रिलैक्सेशन रहिबो एज रिलैक्सेशन तो तुम्हारा मिनिमम वयस होता दरकार अठर आउ तुम्हें मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन हम ना टेन्थ पास कर दरकार टेन्थ पास कर दरकार देन तुम मैंने अप्लाय कर सेमती एक्स सर्विस मानी तुम कौन रज रिलैक्सेसन सबकि रहीपर देख तुम फिजिकल टेस्ट कौन हम जेहेतु फरेस्ट तुम मानकर जबटा हाबाक जाऊँगी फरेस्ट एग्जाम फरेस्ट गार्ड तुमको कौन फरेस्ट चलवाक पड़ो देख कौन ना पुओ पाई कौन हो से केते किलोमीटर चलिए ना चारि घंटा भितर पचिश किलोमीटर चलिया पड़ो है मेल पुओ मानक चारि घंटा पचिश किलोमीटर चलो जदि चारि घंटा पचिश किलोमीटर न चली पार चारि घंटा तुम कम्प्लीट न कर पार तेल डिस्क्वालीफाई हो तेणु चारि घंटा तुमको पचिश किलोमीटर चलबार अच्छे आउ झीओ पिला माने केते चलिबे देखो झीओ पिला माने से चारि घंटा तुम मानक समय मिल तुम्हें षोल किलोमीटर चलो फिमेल मानकर चारि घंटा समय षोल किलोमीटर तुमको कम्प्लीट करने को पड़ो ठीक अच्छे। तापर देख तुम मानकर कौन सब मेजरमेंट से माने ने देख एटी हाइट एंड चेस्ट कथा कहुई वेट कथा तो तुम कहुनि वेट तुम मानकर से 55 एवं ने 50 एवं ने तो वेट तुम मानकर मेनसन ना हैला एथर जदि आसीबो तो मानकर न्यू पैटर्न आसिले जदि वेट से मेंशन करथिबो ताले निहाती भाबरे मु तो मानकु वेट जणेबी। अच्छा टिके पूर्वरु पिला माने टिके रहो मेन कथाटा तो मानकु कहिनी सिलेबस उपरे आमे प्रिपेयर ए भिडियोटी करूचे मेन कथा होची नेगेटिव मार्किंग कोन अछि
ହଁ ଅଛି। ଯଦି ଚାରିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଗୋଟାଏ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଚାରିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛ ଗୋଟାଏ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା, ହାଇଟ୍ କେତେ ରହିବ ଆଉ ଚେଷ୍ଟ କେତେ ରହିବ। ଦେଖ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ତ ଚେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦେଖ ମେନ୍ ମାନଙ୍କର, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା, ଦେଖ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ରହିବ 158, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ରହିବ 168 ସେମି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଇଟ୍ ରହିବ, ଚେଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା 81 ରହିବ, ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ ଆଉ 5 ସେମି ସେ ଅଧିକା ନେଇପାରନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରିକି। ସେମିତି ଏସ୍ସି ମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପୁଅମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚେଷ୍ଟ ସମାନ ରହୁଛି 81। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଥର ଦେଖ କେତେ ନେବେ ସେଇଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତୁମର ପୂର୍ବଥରକର ମୁଁ କହୁଛି। ସେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ମହିଳାମାନଙ୍କର 153 ନେଇଯିବେ ହାଇଟ୍ ହେଲା, ହାଇଟ୍ ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୁମର ଯଦି ଦେଖିବା ହାଇଜମ୍ପ ଘରିକା ତ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ତ ନାହିଁ, ଆଉ ରନିଙ୍ଗ ନାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କହିବେ, ଏତେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା। ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 25 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ଘଣ୍ଟାରେ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 16 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ଘଣ୍ଟାରେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲ, 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଭିତରେ 180 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ତୁମମାନେ ଜାଣିଲ। ଆଉ ତୁମର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଏଠି ଅଛି 0.5 ତୁମମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ, ମାନେ 4ଟା ଭୁଲ କରୁଛ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ତୁମର ଆର୍ଥମେଟିକ୍, ଇଂଲିଶ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍, ଓଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କହିବ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କେଉଁଠି, ତୁମକୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ମ୍ୟାଥ୍ର 10th ବୁକ୍କୁ କଭର୍ କର। ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି ସବୁ 10th ଆଗ କଭର୍ କରିନିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର 10th ବୁକ୍କୁ କଭର୍ କରିନିଅ। ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବି 10th ବୁକ୍କୁ କଭର୍ କରିନିଅ। ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି 10th ବୁକ୍, କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାହା ଅଛି 10th ବୁକ୍ ସବୁ କଭର୍ କରିନିଅ। ତାପରେ 10th ବୁକ୍ କଭର୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବ, ସେଟା ଲାଇଭ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରେକର୍ଡ଼ ହେଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବି ତୁମେ ଯଦି ବୁକ୍ କିଛି କିଣୁଛ, ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବୁକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଲୁସେଣ୍ଟ ଜିକେ ହେଇଗଲା ବା ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା, ଗୁପ୍ତା ସାର୍ଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେ ବୁକ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବୁକ୍, ବା ଆରିହାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୁକ୍ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବୁକ୍, ଏ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଆଣିକି ପଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେହେତୁ ଏଇଟା 10th ଲେବୁଲ୍ର ଦେଇଛି, ବୁକ୍ ଯଦି ନ ବି କିଣୁଛ ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର, ଯଦି ତୁମେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖୁଛ ପଢ଼ିବାରେ ହେଲା, ଆଉ ତୁମେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିକରି ଚାଲୁଛ, 10th ବୁକ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି 10th ବୁକ୍କୁ କଭର୍ କରୁଛ, ତାପରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକି ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖୁଛ ଆଉ ନୋଟ୍ ବନଉଛ ପଢ଼ୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବୁକ୍ କିଣିବା ବା ବୁକ୍ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଯେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ଦେନ୍ ତୁମେ ବୁକ୍ କିଣିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିନେଲ, କିଛି ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା କ'ଣ କେମିତି ହେବ। ତାପରକୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସାରିବା, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖା ହେବ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଣିବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯାହା ବି କିଛି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ତ ଏହାର PDF ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ସାରୁଛି, ସି ୱାଲ୍ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍।